गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वेडिंग टीचर्स गाइड। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट किया था कि UGC ने चार्टर्ड अकाउंटेंट CA CS कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ICWA की जो डिग्री है उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर अब माना है, यानी कि उन्होंने मान्यता दी है कि ये जो डिग्री जो भी लेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर होगी। ये करंट अफेयर है 15/3/2021 का, कुछ दिन पहले का ही है। इसकी गारंटी है कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन करंट अफेयर का हम ये एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि आयोग कहाँ से कहाँ पूछेगा। वो लास्ट 6th मंथ का भी पूछ सकता है, 1 साल का भी पूछ सकता है, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होता। ये क्वेश्चन पेपर शायद आपके दिसंबर या जनवरी तक बन ही गए होंगे, तो उससे पहले पहले का पूछा जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर है? कवक पार्क, यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है जून 2020 में। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के विजेता कौन है? रंजीत सिंह डिसाले जो प्राइमरी शिक्षक हैं उनको 3 दिसंबर 2020 को ग्लोबल टीचर्स अवार्ड दिया गया है। RS डिसाले जी ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पहली बार किताबों में QR कोड शुरू करने की पहल की थी और उन्होंने हर पाठ और कविताओं का QR कोड बनाया है। प्रश्न 3, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण, चमोली जिले में स्थित है गैरसैंण। क्वेश्चन 4, देश की पहली किसान ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई है? ये देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई है, नासिक से बिहार के बीच ये चलाई गई है। 9 सितंबर 2020 से इसको शुरू किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ मैंने डेट भी लिख दी है किसी किसी क्वेश्चन के बीच में। आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें, पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं और दूसरा हो सकता है कि कब देश की पहली किसान ट्रेन देवलाली से दानापुर के बीच में चलाई गई है, वहाँ पर डेट्स दिए रह सकते हैं, तो आप डेट्स भी देख लीजिए 9 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन BSF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना जी को 18 अगस्त 2020 से BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? उन्होंने व्हीलर द्वीप उड़ीसा से किया है। व्हीलर द्वीप को अब हम अबुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, नया नाम है इसका अबुल कलाम द्वीप। क्वेश्चन 7, किसे SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा को, 7 अक्टूबर 2020 इसकी डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से 3 नए कृषि बिल पास हुए हैं, इनमें से कौन सा कृषि बिल किसानों को राज्य की मंडियों से बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है? किसान बिल पास हुआ था 17 सितंबर 2020 को और कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार बिल किसानों को राज्य की मंडियों से बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को इसका निर्माण का कार्य सौंपा गया है, उसको प्रोजेक्ट मिला है ये नए संसद भवन के निर्माण का। नेक्स्ट, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मिसिस मरियाना जो कि ग्रीस से हैं और डॉक्टर मोरिसांडा गुवेना से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के तहत डोगरी कश्मीरी और हिंदी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया है, इन भाषा के जुड़ने से भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गई है और अब वो एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा की घोषणा की गई है जिनमें से कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू है। क्वेश्चन 12, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती अवार्ड का प्रारंभ कब किया गया? लीलावती अवार्ड 17 नवंबर 2020 से इसका प्रारंभ किया गया है और इसका थीम रखा है वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है, इस प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को दर्शाया है? झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह इन्होंने जारी किया था 14 अगस्त 2020 को और 15 अगस्त से इन्होंने ऑफिशियल तौर पर प्रतीक चिन्ह को अपनाया है, तो हाथी जानवर को इन्होंने दर्शाया है। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है,
इस नए प्रतीक चिन्ह में राज्य के राजकीय पुष्प को भी चिन्हित किया गया है। वह पुष्प कौन सा है आपने बताना है, तो वह पुष्प है उनका पलाश, राज्य पुष्प है पलाश झारखंड का, तो उन्होंने अपने नए लोगो में इसको दर्शाया है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 14 अगस्त 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। इस प्रतीक चिन्ह के मध्य में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को दर्शाया है और इसमें राज्य की सौरा चित्रकारी, राज्य पशु हाथी और राज्य पुष्प पलाश को भी प्रदर्शित किया गया है और राज्य की वन संपदा हरियाली को प्रदर्शित करने हेतु प्रतीक चिन्ह में हरे रंग का भी इन्होंने प्रयोग किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। इस बार योगा दिवस का थीम इन्होंने रखा था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। प्रधानमंत्री जी ने कुछ मिनट की वीडियो बनाकर उसको ऑनलाइन पोस्ट करने की भी अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRO के नए महानिदेशक कौन है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राजीव चौधरी इसके नए महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रास्ते थारचूला लिपुलेख की शुरुआत की है, यह मार्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? थारचूला लिपुलेख आपका उत्तराखंड पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। 19 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया था और इसको जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? डगलस स्टुअर्ट को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। दो तरीके के पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है, एक बुकर पुरस्कार होता है, तो ये मैन बुकर पुरस्कार है, इसको डगलस स्टुअर्ट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? जो बिडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहला मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 20 जुलाई 2020 को सबसे पहला मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार क्रेटा थॉनबर्ग को प्रदान किया गया है। सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा है? जो शिपिंग मिनिस्ट्री थी अब उसका नाम बदलकर बंदरगाह, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय रखा गया है। और भी कई नाम चेंज हुए हैं डिपार्टमेंट में, वो भी आपने चेक कर लेना है। 9 नवंबर 2020 को इसको बदलकर बंदरगाह, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने अटल टनल का शुभारंभ किया, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है और ये रोहतांग पास के पीर पंजाल रेंज में ये टनल बनाया गया है और दुनिया का सबसे लंबा टनल है ये। इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 25, COVID-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005 की धारा 51 के तहत आप सार्वजनिक स्थानों पर थूक नहीं सकते, ये दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 लोगों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, और डार यासीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान को। जब धारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी उस टाइम पे इन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी उसके बेस पे इन सबको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइस से सम्मानित किया गया है? मारिके लुकास रिजनवेल्ट को, जो कि नीदरलैंड से है, उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइस से सम्मानित किया गया है। मारिका लुकास रिजनवेल्ट सबसे कम उम्र की हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2020 को किससे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर मैंने फिर से इसको डाला है। डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था उनकी बुक शगी पेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? रीवा, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया जुलाई 10, 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर
21 नवंबर 2020 को किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी को ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से दिया गया है। कुछ कोविड 19 के क्वेश्चन और फैक्ट देख लेते हैं, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। भारत में कोरोना का पहला मामला किस राज्य में आया था? केरल में सबसे पहला मामला आया था। 11 मार्च को किसने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम COVID-19 कोरोना वायरस डिजीज रखा है। इससे पहले हम इसको नोवेल कोरोना वायरस कहते थे। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया है, जो ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है। इसमें जो राज्य सरकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट को विशेष उपाय करने और महामारी के दौरान विशेष नियम निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य हरियाणा है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यू मैप ऑफ इंडिया। अब हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद सरकार ने 2 नवंबर को नया मानचित्र जारी किया गया है। नया मैप इस प्रकार से होगा हमारा। ये मैप रिलीज किया था सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ने। अब इसके हिसाब से हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव का विलय हो चुका है 26 जनवरी 2020 को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया? उत्तर है इसका झारखंड। टेक कंपनी गूगल ने कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है? उन्होंने सोदार सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप देख लीजिएगा इसमें। किस IIT संस्थान ने क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन नाम का एक खास ऐप तैयार किया है? IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लें। कैब बिल लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, राज्यसभा से इसको 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया, और इस प्रकार से दोनों सदनों के पारित विधेयक और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये कानून लागू हो गया। और नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा एक फेसबुक में पोस्ट देख रही थी, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें बताया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने 5 मिलियन विजिटर्स क्रॉस कर लिए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 15 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी 143वीं जयंती पर इसका अनावरण किया गया, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 142 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको डिजाइन रामवी सुथर ने किया है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई थी उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। विपिन रावत जो फर्स्ट CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ही टुक ओवर एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑन 1 जनवरी 2020। नेक्स्ट, ये जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आप देख लीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगी फेसबुक में। और NEP का भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन मैंने एजुकेशन पॉलिसी वाले एक टॉपिक में शेयर किया था आप सभी से, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। और COVID-19 के समय पे चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं ये, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ अवार्ड्स हैं वो भी देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, इनके विनर्स देख लीजिएगा आप एक बार। और स्पोर्ट्स के कुछ
क्वेश्चंस किसको पढ़ सकते हैं सभी। हाल ही में मई में विदेशी फुटबॉलर क्लब से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बाला देवी है, ये रेंजर्स FC की तरफ से खेलती हैं और मणिपुर से हैं। इसको मैं डायरेक्ट इन सभी को मैं डायरेक्ट फेसबुक पे शेयर कर दूंगी। खेल अवार्ड देख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये। स्पोर्ट्स से आपके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिएगा। जो अवार्ड्स हैं, राजीव गांधी खेल अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड, उनके रेसिपिएंट के नाम आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो इंडेक्सेस हैं उनको भी आपने एक बार चेक कर लेना है। जो सूचकांक हैं उनमें भारत की क्या रैंकिंग है उसको देख लीजिएगा आप, और नोबेल प्राइज विनर की लिस्ट भी चेक कर लीजिए। इसके अलावा बजट से जुड़े कुछ फैक्ट और क्वेश्चन ये मैं फेसबुक में आप सभी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में शेयर कर दूंगी। और टाइम थोड़ा सा कम था, जितना हो सका मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। आई होप कि ये आपकी हेल्प करें और आप सभी को एग्ज़ाम की बेस्ट विशेस। कोविड गाइडलाइन है उनको फॉलो कीजिएगा। आपकी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है उसका भी थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा। जितनी आपने तैयारी की है उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू।